अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मलिक ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपका प्यारा भाई अहमद मलिक। हमारी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है मेरे एग्ज़ाम थे और बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। अभी दोबारा बड़ी मुश्किल से नहीं, यानी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने एग्ज़ाम से जान चढ़ाई है। यानी पहले मैंने अपना टोटली फोकस अपनी स्टडी पर दिया, फिर बाद में मैं इधर आया यूट्यूब पर। तो लिहाजा मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा इंशाल्लाह। इस चैनल पे आपको नए से नए व्लॉग मिलते रहेंगे। अच्छा, और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ठंडी हवा में, बड़ा प्यारा मौसम है, तो मैं इंजॉय करता हुआ वीडियो बनाऊँगा, साथ आपको भी इंजॉय करवाऊँगा। और सबसे पहले मैंने नमाज फजर अदा की 4:30 बजे के करीब, वो सामने मस्जिद में देख सकते हैं आप। फजर के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही प्यारा सीन, उसके बाद फिर वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। ये देखिए, प्यारा मौसम है सुबह का, ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने आपको कहा है। देखिए क्लाउड का कलर चेक कीजिए, ये कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल और नेचर का नेचुरल कलर है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है थंबनेल देख कर काफ़ी ज़्यादा लोग आए होंगे, तो मैं जा रहा हूं अपनी वीडियो कैरी ऑन करने। अब बालों पे बिल्कुल फोकस ना कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी मामा ने कहा था, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। वैसे भी गर्मी पड़ रही थी, मैंने कहा जाने दो। सब कुछ चैनल का इंट्रो था कि मैं आई एम कम बैक, मैं दोबारा वापस आ चुका हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कब्रिस्तान। अगर आप मेरी वीडियो के साथ कनेक्ट हैं तो कब्रिस्तान में जाके अभी मैं थोड़ा सा दरबार में सलाम वगैरह करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का काम। ओ गाइस, मैं दरबार के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और अभी हम अंदर एंटर होने लगे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का भी। सबसे पहले हमने दाया पांव अंदर एंटर किया और बाकी आप देख सकते हैं ये वो वहाँ आगे करके ना लास्ट पे वहाँ पर का बड़ा दादू की। तो अभी हम पहले सलाम करते हैं। A few moments later. ये है ट्रेन की पटरी और ये हमें, और मैं अभी यहाँ पर चहल पहल कर रहा हूँ। कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट है यहाँ पर, यानी ठंडी हवा या मज़ा आ रहा है कमाल का। ऊपर से मौसम भी बड़ा कमाल का हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ से पीछे से ट्रेन गाड़ी आएगी, ठीक है। और अगर दुआ करे आ जाए, और मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से लोग काफ़ी ज़्यादा बाय बाय भी करते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे, यानी देखते हैं कि व्लॉगिंग हो रही है। तो यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं पिक्चर वगैरह खींचने के लिए, और वो शायद दूर नज़र आ रहे हैं मुझे, वो देखें वो लोग। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं भी किसी के साथ आया था यहाँ पर पिक्चर खींचने के लिए, वो लेकिन आ गया है। तो गाइस चलते चलते मैंने कहा थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड करते हुए मैं बैठ गया हूँ पटरी पर। और मैंने यहाँ पर किसी से पूछा है कि ट्रेन गुज़र चुकी है। ट्रेन गुज़रने का टाइम होता 5:15 बजे और हमारा भी टाइम हुआ है टोटली 5:45 के करीब है, पर लेकिन जो मैं चाहता था वो हो नहीं पाया क्योंकि ट्रेन गुज़र चुकी है। इसलिए हम कल या फिर दोबारा किसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा
इसलिए आपने देखी तो होगी, लेकिन जो अवाम के रिएक्शन होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो देखिए हमारे प्यारे प्यारे अंकल स्लो स्लो वॉक करते हुए आ रहे हैं और बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, वो देखे जा रहे हैं। अभी मैं बोंगी बोंगी सी तस्वीरें खींचने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको पसंद आएगी तो बताना, मैं अपने ब्लॉग के साथ ज़रूर अटैच करूँगा। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर करूँगा, लेकिन मैं अकेला हूँ तो मुमकिन नहीं हो सकता, पर लेकिन मैं करता हूँ कोशिश, कुछ ना कुछ करूँगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपनी पिक्चरों के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी तस्वीर आए और आप पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। चले जी, खींचते हैं तस्वीरें। After some effort. गाइस बस मैंने अब वहाँ पर जाना है, वो यहाँ पर ये, हाँ ये ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम वहाँ पर जाएंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा रास्ता है यहाँ पर होने के बाद, फिर यहाँ से यहाँ तो मैं वहाँ से ही टर्न होकर उधर से ही अपने घर चला जाऊँगा, या फिर यहाँ वापस आके यहाँ से चला जाऊँगा, या फिर जहाँ से आए थे वहाँ से चला जाऊँगा। पर लेकिन ज़्यादा चांसेस इस रास्ते के, क्योंकि ये रास्ता भी बहुत मज़े का है। A few moments later. तो गाइस हम अपने प्लेस पर पहुंच चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल। यहाँ के ट्री बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए ना कैसे खूबसूरत अंदाज में देखो मुरझाए हुए हैं, कोई पत्ता नहीं है, यानी ये काफ़ी देर से ऐसे ही हैं। आपको ना पसंद है मुझे क्या, मुझे पसंद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर भी बहुत कमाल की आती है और है भी व्यू भी बहुत प्यारा है। सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पर पिक्चर खींचते हैं, देख सकते हैं हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर कुछ मैं पिक्चर खींचता हूँ फिर अटैच करूँगा ब्लॉग के साथ। गाइस मैंने अभी यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो है वो जो शूट की है, और घर जाकर मैं इसकी एडिटिंग करूँगा, फिर सारे वीडियो के साथ अटैच करूँगा, देखिएगा कैसी बनी है। एडिट वीडियो। बाय बाय। तो गाइस हमारा जो ब्लॉग है वो अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने अभी ये जो दरमियान वाला रास्ता ना वो चूज़ किया है, बाकी भी रास्ते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था एक वो आगे भी है, और जहां से हम आए थे वहां से भी वापस जा सकते थे, पर लेकिन मैंने ये दरमियान वाला चूज़ किया है क्योंकि ये बाकी रास्तों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है।
तो गाइस घर जाने के लिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया है, आगे भी रास्ते से मैंने बताया और पर लेकिन ये रास्ता काफ़ी बेहतर है। गाइस अगर आपको मेरे व्लॉग का मज़ा आया है, मेरी वीडियो का मज़ा आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग लाने की कोशिश करता रहूँगा। और बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।